हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज बड़े दिनों बाद हम एक नए सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता ही चल गया है और यदि आप वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली आप इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर की कंपिटेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिटर की कंपिटेंसी के बारे में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इतिहास बताता हूँ। साथियों, जब भी हमारे यहाँ पे या आपकी कंपनी में कोई भी ऑडिट होती है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो या इंटरनल ऑडिट हो, तो ऑडिटर हमेशा क्या पूछता है कि आपने अपना इंटरनल ऑडिट करी है, प्रोसेस ऑडिट करी है, सिस्टम ऑडिट्स करी हैं? तो आप बोलते हो, हाँ जी सर, हमारा ये प्लान है, हम प्लान के हिसाब से अपनी प्रोसेस ऑडिट करते हैं, सिस्टम ऑडिट करते हैं एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। साथियों, इसके बाद में ऑडिटर क्या करता है कि आपके प्रोसेस ऑडिट का रिकॉर्ड चेक करता है, सिस्टम ऑडिट का रिकॉर्ड चेक करता है, और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो बोलता है कि मेरे को इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट दिखाओ, कंपिटेंट ऑडिटर की लिस्ट दिखाओ कि आपके जो ऑडिटर्स हैं वो एक्चुअल में कंपिटेंट हैं कि नहीं हैं। तो साथियों, आप उस लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करोगे, ऑडिटर की एक क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर की क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए, और सेकंड पार्टी जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं उनकी क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए, जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं उनकी क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए, तो आपको कौन कौन से ऑडिटर की कंपिटेंसीज बनानी है और कौन कौन से ऑडिटर्स की लिस्ट बनानी है, कैसे कैसे बनानी है, क्या क्या कंटेंट रखना है, वो सारी चीजें हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये आखिर रिक्वायरमेंट कहां पे है, क्यों बनानी है हमें, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऑडिटर की कंपिटेंसीज की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये IATF की रिक्वायरमेंट है और उसमें आपको क्लियर कट लिखा हुआ मिल जाएगा कि ऑडिटर कंपिटेंसीज, यदि मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, यदि हम क्लॉज की बात करें 7.2 समथिंग ऐसे कुछ क्लॉज है, उसमें आप देख सकते हैं और आपको यहां पर दिख रहा होगा कौन सा क्लॉज नंबर है, उसको आप देख सकते हैं और वहां पे क्लियर कट रिक्वायरमेंट आपको मेंशन है इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए, सारी ये सेल रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड सेकंड पार्टी ऑडिटर की क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए एंड थर्ड पार्टी ऑडिटर की क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए। एंड दोस्तों, साथ ही साथ ये ऑडिटर्स के लिए एक अलग से भी स्टैंडर्ड होता है, ISO 9001 करके है वो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। यदि ऑडिट के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बेसिकली यहां पे हम केवल डिस्कस करेंगे आज इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, क्या क्या हमें लेनी है, सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं, एज पर IATF हमें क्या क्या लेनी है, तो ये बेसिक हम चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसका फॉर्मेट आपको क्या रखना है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसीज का, जो लिस्ट बनानी है आपको उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, वो हम एलोबोरेटरी आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं ऑडिटर की कंपिटेंसीज के लिए अलग से, कि एक ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एज पर ISO 9001 के हिसाब से, लेकिन आज यहाँ पे केवल हम कंपिटेंसीज का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कंपिटेंसीज होनी चाहिए और आपको लिस्ट क्या क्या बनानी है, लिस्ट में क्या क्या रखना है। दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंसीज के बारे में कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट एड्रेस है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अपनी लिस्ट में मेंशन करनी है, क्या क्या सेल रिक्वायरमेंट्स है, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। जब भी हम IATF में जाएंगे और देखेंगे क्लॉज नंबर 7.2.3, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट्स एड्रेस की गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस टू वेरीफाई द इंटरनल ऑडिटर्स आर कॉम्पिटेंट। तो आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन में ये सेल रिक्वायरमेंट है, इंटरनल ऑडिटर का डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें कि इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज के रिगार्डिंग सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। टेकिंग इनटू अकाउंट एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो भी आपका इंटरनल ऑडिटर है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर सके, उसमें इतनी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। एडिशनली, यदि आप गाइडेंस लेना चाहते हैं कॉम्पिटेंसीज के बारे में ऑडिटर्स की, तो आप रिफर कर सकते हैं ISO 19011। एंड दोस्तों, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर, ये यहाँ पे सेल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में इंटरनल ऑडिटर की
लिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास में कौन कौन से कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिटर्स हैं। देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स एंड प्रोडक्ट ऑडिटर्स शैल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मिनिमम कॉम्पिटेंसीज। जो भी आपके क्वालिटी QMS के ऑडिटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑडिटर्स हैं, प्रोडक्ट ऑडिटर्स हैं, उनके पास में कम से कम मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स या ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो नीचे मेंशन की गई हैं। वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। ए नंबर, अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच फॉर ऑडिटिंग इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो आपके जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उसमें ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड ऑडिटिंग होनी चाहिए कि जो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच है वो ऑडिटिंग स्किल होनी चाहिए एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए। जब भी ऑडिट करें तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग को साथ में रखते हुए करें। अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल ISO 9001। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर का, एक्चुअली स्टैंडर्ड्स है ISO 9001 एंड IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स उसको पता होना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिट पता होना चाहिए, कैसे ऑडिट करना है, क्या है, क्या कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें उसको क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्लीकेबल कोर टूल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो कोर टूल की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए उसको, जो भी हमारे कोर टूल में मेंशन है सारी की सारी, जो भी ऑडिट जहाँ भी कर रहा है वहाँ पे कोर टूल से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट एड्रेस की गई हैं, क्या क्या जरूरी है वो पता होनी चाहिए। ई नंबर क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्लान कंडक्ट रिपोर्ट एंड क्लोज आउट द ऑडिट फाइंडिंग्स। एक इंटरनल ऑडिटर को ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑडिट कैसे प्लान करनी है, कैसे कंडक्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, ऑडिट फाइंडिंग्स जो निकलती है उनको कैसे क्लोज करवाना है। एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर शैल डेमोन्स्ट्रेट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू बी ऑडिटेड। जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑडिटर आपका है वो उससे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोसेस रिस्क एनालिसिस, FMEA, कंट्रोल प्लान। प्रोडक्ट ऑडिटर शैल डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंसीज इन द अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड यूजेस ऑफ द रिलेवेंट मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स टू वेरीफाई द प्रोडक्ट कन्फर्मिटी। तो आपका जो इंटरनल ऑडिटर है उसको आपके प्रोसेस के बारे में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, GD&T का नॉलेज होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या वेरीफाई करना है, क्या नहीं करना है, मेजरमेंट सिस्टम उसको आना चाहिए, कैसे भी कोई भी पैरामीटर मेजर करना है, तो ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, FMEA का नॉलेज होना चाहिए, FMEA के बारे में पता होना चाहिए। वेयर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अचीव द कॉम्पिटेंसीज, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन शैल बी रिटेन टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेनर कॉम्पिटेंसीज विद द अबव रिक्वायरमेंट। तो साथियों जब भी आप अपने इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट को मॉडिफाइड करते हैं, किसी अपने इंटरनल ऑडिटर को ट्रेनिंग देते हैं तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और जो भी आपका ट्रेनिंग दे रहा है बंदा उसकी भी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकते, सेल रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा। मेंटेनेंस ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंस सेल बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रो, और जो भी आपके इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज हैं उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है वो नीचे लिखी हुई हैं। एग्जीक्यूटिंग ए मिनिमम नंबर ऑफ द ऑडिट पर ईयर एज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपका इंटरनल ऑडिटर की जो कॉम्पिटेंसीज आप डिफाइन करोगे तो आपको डिफाइन करना है कि इंटरनल ऑडिटर को मैं कब लूंगा, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए प्रोसेस का, मिनिमम कितनी प्रोसेस ऑडिट कर चुका हो, कितनी सिस्टम ऑडिट कर चुका हो, मिनिमम क्या क्या उसको नॉलेज हो। मेंटेनिंग द नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द इंटरनल चेंजेस, प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनल चेंजेस एज पर ISO 9001, IATF 16949 एंड कोर टूल एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों की उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होता है तो आप उसको दोबारा ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा अपने इंटरनल ऑडिटर को। अब चलिए दोस्तों जानते हैं 7.2.4। अभी हमने पिछले डिस्कस किया कि इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज, इंटरनल ऑडिटर मतलब ये होते हैं कि आपकी कंपनी में ही जो ऑडिट कर सकते हैं वो होते हैं आपके इंटरनल ऑडिटर। अब वो आपकी प्रोसेस ऑडिट कर सकते हैं और सिस्टम ऑडिट कर सकते हैं, और आप डिफाइन करोगे अपने इंटरनल ऑडिटर लिस्ट में कि मेरा कौन सा सिस्टम ऑडिट के लिए है, कौन सा प्रोसेस ऑडिट के लिए है, कौन सा प्रोडक्ट ऑडिट के लिए है।
अब 7.2.4 जो क्लॉज है बात करता है सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसीज, मतलब सेकंड पार्टी आपका ऑडिटर जो आपके सप्लायरों की भी ऑडिट कर सकता है बाहर जाके, वो होते हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर्स। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या IATF की क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑडिटर अंडरटेकिंग द सेकंड पार्टी ऑडिट्स। जो भी हमारे ऑडिटर्स हैं उसको ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो आपके थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे, सेकंड पार्टी ऑडिट करेंगे। सेकंड पार्टी ऑडिटर शैल मीट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिट क्वालिफिकेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेट द मिनिमम फॉलोइंग कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्लूडिंग अंडर। तो एक सेकंड पार्टी ऑडिटर में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे क्या क्या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसेस से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड, एंड ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो नीचे लिखी हुई हैं। बेसिक ऊपर वाले से ही मिलती जुलती हैं लेकिन कुछ चेंजेस हो सकती हैं। जैसा इतनी ए नंबर देखें, द ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग पहले भी थी वही अभी भी है। अप्लीकेबल कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पहले भी थी अभी भी है। अप्लीकेबल ISO 9001 एंड IATF रिक्वायरमेंट एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट पहले भी थी अभी भी है। अप्लीकेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग PFME एंड कंट्रोल प्लान। तो अप्लीकेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ऑडिट कर सकता है ये उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, पहले भी थी अभी भी है, कंट्रोल प्लान का नॉलेज होना चाहिए, FME का नॉलेज होना चाहिए। अप्लीकेबल कोर टूल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ द ऑडिट पहले भी थी अभी भी है। तो हाउ टू प्लान कंडक्ट प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड क्लोज आउट द फाइंडिंग्स पहले भी थी अभी भी है। देखो दोस्तों रिक्वायरमेंट्स आपकी सेम है, सेम हो सकती है लेकिन आपको एड्रेस जरूर करना है। ऐसा नहीं करना कि उसकी रिक्वायरमेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट सेम मैच करती है तो आप अपने लिस्ट में एड्रेस ना करो कि सेकंड पार्टी ऑडिटर की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारे सेकंड पार्टी ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज जो कि आपको अपने लिस्ट में मेंशन करनी है। अब चलिए देखते हैं हाउ टू मेक कॉम्पिटेंट ऑडिटर लिस्ट। तो इस लिस्ट को आपको बनाने के लिए पहले SOP में आपको सारी रिक्वायरमेंट एड्रेस करनी है, वही सारी एड्रेस रिक्वायरमेंट्स आपको अपने फॉर्मेट में भी दिखानी है। जो भी आपका कॉम्पिटेंट ऑडिटर का फॉर्मेट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसमें सारी ये डिटेल्स आनी चाहिए। तो चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कंपनी नेम होना चाहिए, ऊपर कंपनी लोगो होना चाहिए, कंपनी नेम होना चाहिए, और यहां पे लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स आ गया, ठीक है। और यहां पे डॉक्यूमेंट डिटेल, फॉर्मेट नंबर और ये सारी चीजें आपका जो भी है रिवीजन नंबर वगैरह, रिवीजन डेट वगैरह आप डाल सकते हैं। अब चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको डालना है क्या, सीरियल नंबर जो भी है आपका 1, 2, 3, 4। देन आपको लिखना है नाम, आपके इंटरनल ऑडिटर जो भी है उसका नाम, इम्प्लॉय कोड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, वर्किंग एक्सपीरियंस उसका कितना है, ट्रेंड इन द IATF 169 ट्रेंड है कि नहीं है। देन कोर टूल कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या, जैसे APQP होगा, FME, PPAP, SPCMSA में ट्रेंड है कि नहीं है, उसकी ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जैसे SS सभी जगह में आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता है। देन आता है दोस्तों प्रोसेस कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस रिलेटेड कॉम्पिटेंस, डिफाइंड प्रोसेस वेयर ही सी कैन ऑडिट। जैसे हो गया आपका डिपार्टमेंट की, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेस में चेंज होता रहेगा, वायर प्रोसेसिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, ST, SF, हाँ सबकी कर सकता है, जहां नहीं कर सकता वहां पे क्रॉस लगा देना आपको। मेजरिंग एंड टेस्ट मेथड नॉलेज, मेजरमेंट टेस्ट मेथड नॉलेज डिटेल्स हर ही सी कैन रिलेवेंट ऑफ द नॉलेज, डायमेंशनल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, ठीक है, एंड कोटिंग हार्डनेस, UTM, ये किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन बेस में बना लेना है। देन अप्रूव टू कैरी आउट ऑडिट्स, ठीक है, कौन कौन सी, सिस्टम ऑडिट कर सकता है, प्रोसेस ऑडिट कर सकता है, प्रोडक्ट ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, सेकंड पार्टी ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देन लेयर ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेयर ऑडिट में L1, L2, L3 यदि आपके यहाँ पे है तो ये आप डाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑडिट का भी आप जैसे पहले पढ़ाओ, प्रोडक्ट ऑडिट का तो हमने कवर कर लिया, और भी यदि कोई ऑडिट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। थर्ड पार्टी ऑडिट आपके यहाँ पे एप्लीकेबल, थर्ड पार्टी भी आप डाल सकते हो, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट बना लेना है। यदि आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आप ये फॉर्मेट बना लेते हैं दोस्तों तो अभी कभी भी आपको आपके इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज वाले इसमें आपको NC नहीं लगेगी, और ये बहुत ही अच्छा अप्रूव्ड फॉर्मेट है IATF से। नीचे आपको लिखना है अपडेटेड ऑन, प्रिपेयर्ड बाई
एंड अप्रूव्ड बाय। तो साथियों अपडेटेड ऑन, जब भी आपकी कोई इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज चेंज होती है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। यदि कोई कोर टूल में चेंज होता है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसमें फॉर्मेट में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और सॉल्यूशन इमीडिएटली आपको दिया जाएगा। तो बेसिक्स यही है। और दोस्तों अभी हमने बात कर लिया इंटरनल ऑडिटर, सेकंड पार्टी ऑडिटर और एक होता है थर्ड पार्टी ऑडिटर। तो थर्ड पार्टी ऑडिटर दोस्तों वो होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे ऑडिट करने आते हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेशन ऑडिट कराते हैं तो उन्हें हम थर्ड पार्टी ऑडिटर कहते हैं। और बाकी अभी इसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा सारी चीजें क्लियर कट की सेकंड पार्टी ऑडिटर, थर्ड पार्टी ऑडिटर के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो आई होप दोस्तों कि आज आपको इंटरनल ऑडिटर, सेकंड पार्टी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों यदि हमारा ये IATF के इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसीज का वीडियो कैसे बनानी है, कैसे क्या रखनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथियों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सके और ग्रोथ कर सके। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है और उसका आपको सॉल्यूशन इमीडिएट आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।